गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना दूसरा मेथड स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम बच्चों उसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है बच्चों ये। चैप्टर नंबर 3 बच्चों, उसमें कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सबसे पहला जो मेथड पढ़ा था हम लोगों ने वो था ग्राफिकल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कोफिशेंट को जज करके हम लोग पता लगा सकते थे कि लाइन यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई की। अब हमें पढ़ना है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीनों मेथड में ऐसा मेथड है जो हर जगह एप्लीकेबल है। एलिमिनेशन की भी कुछ बाउंडेशन है लेकिन इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये कैसी भी इक्वेशन हो, कैसी भी हो, हर जगह पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई कैसे करते हैं वो देख लें जरा। जैसे मान लीजिए बच्चों, सबसे सिंपल सा इक्वेशन लेता हूँ मैं। मेरे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों 11। ये बच्चों मेरे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको बगल से ऐसे लिख दूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों 11। मेरे पास ये दो इक्वेशन है। अब सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, जैसे मान लो आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा हो, कोई प्लेयर घायल हो जाता है तो वहाँ पे उसकी जगह फिर दूसरा प्लेयर आने लगता है फील्डिंग करने। मान लो बैटिंग तो करता नहीं वही, ठीक है, वो तो आउट होने पर ही होती है। अगर कोई प्लेयर मान लो घायल हो जाता है फील्डिंग करते समय, तो उसकी जगह फिर दूसरा प्लेयर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा भी है भाई। तो वहाँ पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट आ गया उसका। तो एक प्लेयर की जगह कौन सा आ गया, दूसरा प्लेयर आ गया। प्लेयर की जगह प्लेयर ही आएगा, एम्पायर तो आएगा नहीं फील्डिंग करने, नहीं आएगा ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन। तो एक चीज को रिप्लेस कर देना दूसरी चीज से और वो उसी के बराबर हो। ठीक, अब कैसे करना है भाई, आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग हमारे वैल्यू निकालते हैं बच्चों एक्स और वाई की। दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप किसी भी इक्वेशन की हेल्प ले सकते हो और वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से फाइंड करनी है कि यहाँ से फाइंड करनी है, तो आप कहीं से ही फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड करना आसान होगा क्योंकि भाई माइनस वाई को उधर भेजना है, तो मैंने बच्चों इसको उधर भेज दिया। तो भाई वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, दैट इज वाई प्लस 3। ओके, इसको नाम दिया बच्चों मैंने फर्स्ट, इसको नाम दिया बच्चों मैंने सेकेंड। ठीक है, मैं जब वैल्यू निकाल लेता हूँ उसके बाद नाम देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये मेरी वैल्यू निकल के आई x की इन टर्म्स ऑफ y, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से मैंने इस वाली इक्वेशन से मैंने वैल्यू किसकी निकाली बच्चों, x की। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ये वाली वैल्यू मैं बच्चों यहाँ पुट करूँगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर बच्चों सेकेंड। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या थी सेकेंड वाली बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आई थी यहाँ पर, y प्लस 3। तो मैंने यहाँ पर इस x की जगह बच्चों मैंने क्या लिखा, y प्लस 3। और ये क्या बच्चों, y बराबर क्या हो गया, 11। y प्लस वाई बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 11। आपको y की वैल्यू बच्चों निकालनी है, इस 3 को वहां भेजोगे, 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8। 2 से बच्चों काटोगे आप इसको, 4 आएगा। यहां से बच्चों आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो y की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, अभी एक ही वेरिएबल की बच्चों वैल्यू निकल के आई है, दैट इज y। अब अगला स्टेप बच्चों हमारे पास क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपसे सबसे बेनिफिट जो होगा वो ये होगा, आप जहां पर ये वैल्यू जो निकाली है मैंने यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, आप बिल्कुल फ्री हो, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो। y की वैल्यू आप चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वहां पुट करो, आपका आंसर आएगा। मैंने क्या किया बच्चों, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन बच्चों क्या थी, y प्लस 3, y की जगह बच्चों 4 प्लस 3, x बराबर बच्चों कितना आ गया, 7। ये इसका आंसर हो गया भाई। तो भाई मेरे पास x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 7, y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ गई, 4। मेथड समझ में आया, आपके पास दो इक्वेशन होंगी, आपको कोई भी इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, तो जिससे आप वैल्यू निकालोगे
आप उसके अंदर पुट नहीं करोगे, आप दूसरी क्वेश्चन पुट करोगे, ठीक है। आप यहाँ से निकाल लो, इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो क्या सेकंड, किसी को नाम दे सकते हो, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू मैंने निकाली बच्चों इसी क्वेश्चन में, मैंने पुट कर दी। पुट करने पे जब मैं x की जगह ये वैल्यू रखूंगा वाई की, तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो वाई के टर्म्स में आ गई, और बच्चों मेरे पास वैल्यू निकल के आई वाई की। y की वैल्यू उठा के मैंने इसमें पुट कर दूं चाहे इसमें पुट कर दूं, आप बिल्कुल फ्री हो, किसी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पुट कर दी भाई, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही बच्चों 7, ये इसका आंसर आएगा। तो ये कहलाता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इसको नोट कर ले। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है भाई, तो आप लोग ये लेक्चर देख लेना अच्छे से, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना मुझे, और फिर मैं आप लोगों से कल लाइव क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, तब पता चलेगा आप लोग कितना सीखे हो क्या, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 एंड 2x plus y is equals to बच्चों 19, ठीक है। अब आपके पास बच्चों दो इक्वेशन दिए, एक फर्स्ट एक सेकंड, आपको कहाँ से वैल्यू निकालना आसान रहेगा भाई, यहाँ से निकालना है या यहाँ से निकालना, बोले निकालना सर यहाँ से आसान रहेगा, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वैसा भी चीज सीख लो, ठीक है, वैसा आप निकालोगे यहाँ से आसान होगा, आप डायरेक्ट पुट कर दो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर किससे निकलवा रहा हूँ, सेकंड से निकलवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मान लो किसकी वैल्यू निकालना आसान होगा भाई, x की वैल्यू निकालना आसान होगा कि y की वैल्यू निकालना होगा, y जो आता अकेला है y की वैल्यू निकालना आसान होगा। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों 19 माइनस 2x, ठीक है, इसको नाम दिया मैंने बच्चों फर्स्ट, इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड, किसी को भी कोई नाम दे सकते हो भाई, फर्स्ट सेकंड कुछ भी दे सकते हो। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली है, अब ये वैल्यू बच्चों मैं इस इक्वेशन पुट करूंगा, तो अगला स्टेप क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू of y in equation number second. Second वाली बच्चों equation क्या थी, x minus y is equals to 11. x minus y की जगह बच्चों कितना लिखेंगे हम लोग, 19 minus 2x बराबर क्या हो गया बच्चों 11. इसको सॉल्व करोगे x minus 19 negative negative बच्चों क्या हो जाएगा positive. x plus 2x बच्चों कितना होगा 3x minus 19 is equals to 11. 3x बराबर इस बच्चों ये नंबर है, इसको वहां भेजोगे आप 11 प्लस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में क्या होगा 3x बराबर 19 और बच्चों 11 कितना हो जाएगा बच्चों 30, आप 3 से काटोगे इसको 10 टाइम्स जाएगा, तो भाई मेरे पास x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10। सिंपल है, यस और नो। इसके बाद क्या करना होगा बच्चों, x की जो वैल्यू निकल के आई है आप इसमें भी पुट कर सकते हो, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला, आप जिसको वहां से फर्स्ट मानते हो, जहां से वैल्यू निकालते हो वेरिएबल की, वहां पुट करो, वो जल्दी आसान रहता है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली बच्चों क्या थी 19 माइनस 2x, तो भाई 19 माइनस 2 इंटू 10, x की जगह बच्चों कितना लिखना है मुझे 10 लिखना है, तो 2 इंटू 10 बच्चों कितना होगा 20 और 19 माइनस 20 बच्चों कितना आएगा माइनस 1, तो भाई मेरे पास y की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ रही है दैट इज माइनस 1, x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी निकल के आ रही थी भाई दैट इज 10। तो ये कहलाता है बच्चों हमारा कौन सा मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। गॉट इट, कोई डाउट है किसी बच्चे को क्या, नोट करिए फटाफट, साथ साथ नोट करते चलना बच्चों। एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग कहो तो चलिए अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आप लोग को बताना कि कहाँ जजमेंट सही रहेगा, कहाँ से वैल्यू निकालना आसान होगा, कहाँ पुट करना आसान होगा, कुछ ही क्वेश्चन समझाने पड़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये है,
लीजिए ये देखो बच्चों, पहले मैं खुद देख लूँ जरा सही है कि नहीं। चलिए ठीक है बच्चों, अब ये बताओ मुझे यहाँ पर कौन सी दोनों इक्वेशन में से किससे वैल्यू निकालना आसान है, फर्स्ट वाली से आसान है कि सेकंड वाली से? बोलिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टू और थ्री है, यहाँ वाई अकेला है, तो यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा -19, ये प्लस का 7 उधर जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? तो भाई मेरे पास y की बच्चों वैल्यू निकल के आई -19 -7x। इसको नाम दिया बच्चों मैंने फर्स्ट, और इस इक्वेशन को नाम क्या दिया बच्चों मैंने सेकंड। अगला स्टेप क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन क्या लिखी है, माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर क्या लिखा है बच्चों, -19। मेरे पास वैल्यू निकली है बच्चों y की, ये निकली वैल्यू, इस y की जगह बच्चों ये पूरी वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो भाई देखो जरा, माइनस का 2x प्लस का 3, y की जगह बच्चों -19 -7x बराबर क्या हो गया बच्चों, -19। आप कुछ बात देखो, आप कुछ बात ध्यान दो, नंबर कैसे हैं, अच्छे हैं कि गंदे हैं, कैसा क्या है, आप तो बस जो जो फॉर्मेलिटी होती है वो करो। 3 इंटू -19 बच्चों प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस 19, 3 का बच्चों कितना होगा 57, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस 3 इंटू 7 बच्चों कितना होगा 21 बराबर क्या हो गया, -19। अब बच्चों ये देखो ना, -2x -21 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 23x, इस -57 को बच्चों वहां भेजो, प्लस का हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, माइनस का 23x बराबर 57 में से बच्चों 19 जाएंगे, कितना आएगा, That is 38, बोलो yes or no। और x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, इस 23 को नीचे लेके आओगे और that will be equals to minus का 38 upon 23। तो बच्चों मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है x की, बच्चों नेगेटिव नंबर नीचे हो चाहे ऊपर हो, बात तो एक ही है, ये बच्चों मेरे पास वैल्यू निकल आई, बहुत गंदी वैल्यू निकल के आ रही है भली, क्या करा जाए, लेकिन मेथड तो हमारा वही है। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों कितनी आई, माइनस का 38 अपॉन 23। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करिए आप लोग, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, -38 अपॉन 23। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू, मान लो यहां पे वैल्यू निकली थी मेरी 38 अपॉन 23, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, मैंने कैसे बोला था, जहां पे आपने वैल्यूबल की वैल्यू निकाली हो फर्स्ट, ये ना, y बराबर -19 माइनस का 7, x की जगह बच्चों -38 अपॉन 23, भली वैल्यू गलती गलती है बट कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप देखोगे यहाँ पर -19 नेगेटिव इनटू नेगेटिव बच्चों पॉजिटिव, 7 का मल्टीप्लाई करो 38 से भाई, 8 7 56, 6 5 21 और 5 266, 266 अपॉन बच्चों कितना हो गया, 23 हो गया। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को, क्या नहीं है? अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, आप लोगों को y की वैल्यू निकालनी है भाई। तो भाई 19 का मल्टीप्लाई किससे होगा, एलसीएम जब लोगे आप तो यहाँ 23 आएगा, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 23 को 1 से डिवाइड करो, 23 का मल्टीप्लाई 19 से करो बच्चों। तो भाई लो 19 23 जा 57 और 38, 8 5 13 और ये कितना हो गया 437, माइनस का 437 प्लस 266, ये होगा बच्चों यस और नो, होगा। अब क्या करना है आप लोगों को, 437 में से 266, ये माइनस है, नेगेटिव का नंबर बड़ा है भाई, आंसर भी नेगेटिव का ही आएगा, 437 में से 266 चला जाए एक, और यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1 6 7 7 6 13 4, माइनस का 171 अपॉन 23। तो बच्चों ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो तो आप लोग ये वाली वैल्यू यहां पुट करके भी चेक कर सकते हो।
ठीक है, अब एक्सिस ने ये रखो कितना आ जाएगा भाई 76, और ये कितना आएगा 51। बिल्कुल सही है, वाला आंसर सही आएगा। ये बच्चे इसकी वैल्यू मिल गए, तो ये कहलाता है बच्चों हमारा क्या, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ जाओ, और फिर हम लोग लाइव क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा वहाँ पर। ओके, हटा दो इसको, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, बस मेथड समझना है, फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बच्चों आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तीनों मेथड बहुत अच्छी तरीके से आए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास में हम लोग, सिंपल सा ही क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन बच्चों आपके पास ये है, 3x + 4y = -25, और दूसरी क्वेश्चन बच्चों 2x - 3y = 6। अब मैंने थोड़ी सी अच्छी अच्छी वैल्यू दी है, अब मुझे आप बताओ आप कहीं से वैल्यू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ से वैल्यू निकालो या यहाँ से निकालो, आप देखो यहाँ पर वैल्यू छोटी है, यहाँ बच्चे से बड़ा है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाले, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो वाई को उधर भेजेंगे, ऐसे ही होगा, एक्स की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो टू से नीचे जाएगा, जब टू नीचे जाएगा तो होल के डिवाइड में जाएगा। इस स्टेप से बच्चों, इस स्टेप में कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बच्चों टू जहां पर डिवाइड में लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? डिवाइड में टू का मतलब क्या है, 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने वैल्यू निकाली, इसको मैंने नाम दिया बच्चों फर्स्ट, और इस इक्वेशन को बच्चों नाम दिया कौन सा, सेकंड। आप किसी को नाम दे सकते हो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, लो भाई इसको मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। नाउ पुट, अगला स्टेप क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों तो मेरे पास ये 3x + 4y = -25। ठीक है, अब बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी थी, ये मैंने पूरा ब्रैकेट लगाया, 1/2 3y + 6, आराम से समझना इसको, +4y = -25। ठीक है, अब मैं यहां पे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। ये बच्चों 1/2 है, ये 3 है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है बच्चों 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 का 2 से होगा, कितना आएगा, ये एक तरीके से बोलो तो 3 × 1/2 बच्चों कितना होता है, दैट इज 3/2, अंदर कितना है बच्चों 3y + 6, यहाँ कितना है बच्चों 4y = -25। बोलो कोई डाउट, इसको मल्टीप्लाई कर लें भाई, बोलो आप बोलो बोलो, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो डिवाइड में 2 है बच्चों, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9y, 3 का मतलब इससे हुआ 3 9y हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों कितना हो जाएगा 18, ये प्लस का बच्चों 4y = -25। इसके नीचे कुछ नहीं रखा तो बच्चों क्या मानेंगे, 1 और 2 का बच्चों आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 का मल्टीप्लाई 9y + 18 से करोगे यही आ जाएगा, 2 को बच्चों 1 से डिवाइड करोगे दैट इज 2 × 4 बच्चों कितना हो जाएगा 8y = कितना हो गया बच्चों -25। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा -50। यहाँ पे आप देखोगे 9 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों 17 + 18, इस 18 को बच्चों उधर ले जाओ, -15 - 18 17y = हो गया बच्चों -68, y = बच्चों कितना हो गया -4, y की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई -4, गॉट इट। मैंने सिंपल जो वैल्यू निकाली बच्चों ये निकाली, ठीक है, यहाँ पर 2 डिवाइड में था इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको कंफर्टेबल हो, कभी भी ऐसे दे रखा हो, नीचे 5 होता तो 1/5 हो जाता, नीचे 7 होता तो 1/7 हो जाता। ठीक है, इस वैल्यू को बच्चों ने यहाँ पुट किया, ये भी बाहर नंबर था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई मैंने बच्चों ऊपर वाले नंबर से किया, आप चाहते तो 3/2 का पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। ठीक है, अब कल अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कल की लाइव क्लास में पूछ लेना आप लोग, मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा ये, कि अगर पूरे पूरे का मल्टीप्लाई करते तो क्या रिजल्ट आता। फिर भाई मैंने इसको सॉल्व किया तो वाई के लिए बच्चों मेरे पास कितनी निकल गई -4। अब लास्ट स्टेप क्या होगा,
ये वाई की वैल्यू उठा के या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करना आसान रहेगा। ठीक है, हटा दो इसको, नोट कर लिया आप लोगों ने, अच्छे से समझ लेना, कोई डाउट आए कुछ भी आए मुझे बताइएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद का, इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, नाउ पुट y इज इक्वल्स टू माइनस फोर इन इक्वेशन नंबर, बच्चों कौन सी थी हमारे पास, सेकेंड ये थी, तो x बराबर कितना था बच्चों 1/2, यहाँ था 3y + 6, तो 1/2 बच्चों हो गया 3, y की जगह बच्चों कितना लिखूंगा -4 + 6, तो 1/2, 3 × -4 बच्चों कितना होगा -12 + 6, -12 × 6 + कितना होगा दैट इज -6, आप 2 से जब काटोगे तो 3 टाइम जाएगा, तो भाई मेरे पास जो x की वैल्यू आई है बच्चों यहाँ पर वो कितनी आ गई -3, और यही बच्चों इसका क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके चलते हैं, और फिर कल हम लोग लाइव क्लास में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपसे भी करवाऊंगा, फिर देखेंगे आप कितना सीखें क्या है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।